फुलके बनाने, सब खाने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने हाल चाल बताइएगा। और जो भी लोकल लोग मेरे वीडियो लगन देखते हैं तिना सब ले मेरे प्रणाम नमस्ते। और दूध किनी जाओ, बैठ को जो टाइम आ, शाम का टाइम है और यहाँ पर फिटिंग दिखा रही हूँ। थोड़ी बहुत होनी शुरू हो गई, थोड़ा सा गलत सामान आ गया है। हम लोग जो है सिंपल शीशे लगाना चाहते थे पर वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे और फिर मिस्त्री अभी मिले हुए हैं तो हमने ये ले आए। नहीं जी नहीं, वॉइस ओवर दे रही हूँ और पीछे से कॉपी किताबें रद्दी। जी हाँ जी, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ सब्जी लगी हुई है बनाने। और मम्मा जी यहाँ पर क्या हो रहा है? आज सब्जी बना रही है। मैं कुछ नहीं बोल सकती, आज साफ कर आज चलेगा किचन में। हाँ मेरे यहाँ मशरूम सब्जी बना रही है, अब फुलके बनाने सब खाने। हम नहीं खाएंगे, हम शादी में जाएंगे ना मम्मी जी, हम खाना खाने शादी में जाएंगे। मम्मी डैडी मतलब कि सास ससुर यही खाएंगे। डैडी बाहर आग जलाई है, अब ये यहाँ रहेंगे क्योंकि कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम सब ही यही रहने शुरू हो जाएंगे। क्यों रौनक? हाँ जी हाँ। और यहाँ पर देखो टेस्टी टेस्टी खाना बन रहा है, बहुत लगा वो टेस्टी टेस्टी खाना खाना। दोनों को अपनी दादी के हाथ का खाना बहुत ज्यादा ही टेस्टी लगता है, आता है मुझे भी लगता है। भूख लगी बोला। दूध पैक कर रही हूँ अपने साथ। फुल ऑन? हाँ सारा ही ले जाती हूँ। हो गए हम तैयार फटाफट से। ठीक है फिर, बाय रौनक। बाय। यही रहना? और मैंने नहीं कुछ नहीं भूला, मैंने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है, पेटीकोट कुर्ता बरागर। एक और होती हमारी चमकली आमली बोलती जिसको, वो यहाँ नहीं है। तो चलिए अब आप भी मेरे साथ शादी में, ठंड बहुत है बाहर है। गाड़ी की चाबी लो, आज मैं नाइट ड्राइविंग करूँगी। चलिए चलो, बहुत नाइट ड्राइविंग करते थे। हाँ मैं तो रात में होती थी, निकली हुई है ना हर कहीं, बीच बीच में जाना पड़ता था। चलिए आप भी अब हमारे साथ थोड़ा बहुत शादी में जितना भी होगा खाना खाएंगे। अभी कितना हुआ टाइम? 7 बजे है ना, खाना खाएंगे और फिर खाना खा के वहाँ से निकल जाएंगे। जी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ चाची जी वगैरह हैं। हस्बैंड इसमें है, इसमें कितने लोग हैं? 3-4 है ना। पहले दिन होती है मेहंदी, दूसरे दिन आता है हमारे मामा, तीसरे दिन आती है दुल्हन और चौथे दिन होती है धाम। तो आज तीसरे दिन है शादी का और यहाँ पे दुल्हन का स्वागत हो रहा है, टीकर वगैरह डोरी वगैरह। और ये लोग मेरे भांजे हैं। और आपको मैं बता दूं, कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने जो है ओरिजिनल म्यूजिक जो लेडीज संगीत बजता है ना वो बीच में हाइड कर दिया है, क्योंकि पीछे से डीजे भी हमने जो है खाना खाने से पहले खूब सारा डांस किया। और कॉपीराइट क्लेम की वजह से ही मैं ओरिजिनल म्यूजिक आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, पर जितना हमने डांस किया वो तो आप देख ही सकते हो।
वीडियो पे मेरे कमेंट आए थे कि ये किस तरह का डांस है, इसको नाटी बोलते हैं, और जो पहले था वो भी ही काइंड ऑफ पहाड़ी नाच ही है, तो हम लोगों को ऐसे ही रहता है और हमें अच्छा भी लगता है। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, लेकिन रात में हम एक घंटे में ही यहाँ पहुँच जाते हैं, और इस वजह से हम घर आ जल्दी सकते हैं, तो हम वापस आ गए क्योंकि रौनक के स्कूल भी है और पेपर भी हैं। हो गया, पैर टूट गए, पेट अकड़ गई, ठंड था गाड़ी में, ठंड थी। हाँ अभी हम हीटर सेकेंगे। लग रही है ठंड आपको भी? आपने ग्लव्स पहने हुए? ठंड तो लग ही जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे। हालांकि पैर टूट रहे मेनली, बस अब पाँव गरम कर दे। इतने गरम कपड़े पहनाए हैं रौनक को, अंदर से फिर भी उसको ठंड लग रही है क्योंकि रात को ठंड होती है। और हम अभी पूरे 10:15 पहुँचे हैं, 9:15 चले हम शादी से और 10:15 यहाँ पहुँच गए हैं। बस थोड़ा सा जो है हीटर सेकेंगे, है ना रौनक? हाँ जी। और फिर सो जाएंगे क्योंकि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग रौनक जाएगा स्कूल। चलो घर के बहाने, मतलब कि घर का काम भी निपट गया और शादी भी हो गई, और चलिए हाँ 10:30 हुए उस वाली घड़ी में। ठीक है फिर आना, बोल रहे कुछ? गुड नाइट, बाय बाय बाय। बुक्स याद आ रही है, टेस्ट कल रौनक के पेपर शुरू है अब 13 से। तो भी याद है? हाँ तब लग रही होनी ज्यादा ठंड। महाभारत, पता क्यों महाभारत याद आ रहा है? बिस्तर ऐसे ठंडे, एक अंदर से हाँ, क्योंकि हमने खिड़की खुली रखी थी क्योंकि दो कंबलों ने हमें परेशान करके रखा है, एक जो रौनक ने जलाया है, दूसरा जो रौनक की मम्मा ने क्या किया है धोया हुआ है वो सूखने के लिए हमने, क्योंकि बारिश हो रही थी तो अंदर ही रख दिया था यहाँ साइड में, और खिड़की खुली रखी ताकि हवा से सूखता रहे अंदर कमरे में। क्या है रौनक? ठंड, ठंड की तांत्रा है, तांत्रा है सच में, बहुत ही ज्यादा ठंड। अब जो बिस्तर में हम क्या गाएंगे अब? महाप्रलय 8 दिसंबर और वेडनेसडे। मौसम ठीक है, अच्छा है, और दिन के बजे है अभी कितने हुए हैं अभी टाइम? 2 बजे है अभी, रौनक 2:30 बजे है। रौनक स्कूल से आया और खाना वाना खाया है और हीरो बना हुआ है ये देखिए जी। कहाँ जा रहे हो? खेलने। और घर से क्रिकेट किट लाया क्योंकि पेपर है ना अभी, तो खेलना पड़ता है ना? हाँ जी। हाँ भागो, रौनक भाग गया खेलने। चलिए सुबह से आज थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर किया, मतलब कि रेस्ट किया, और आपके साथ अब बात करने लग गई थी तो रौनक भाग गया। A few moments later. तो अभी मेरी मम्मा ने पूरे दिन रेस्ट किया, शायद से पूरे दिन नहीं क्योंकि मेरी मम्मा बहुत काम करते हैं, पर मेरी मम्मा थक जाते हैं इसलिए वो अभी रेस्ट कर रहे हैं ना। और ना ये देखो यहाँ है मेरी मम्मा। मम्मा आपको पता है कि मैंने ना आज आपको ना इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है। सच्ची? फॉलो मतलब आप भी मेरे को फॉलो बैक करोगे? मैं क्यों करूं? प्लीज कर दूंगी मेरा बच्चा। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से आपकी बाली नहीं दिख रही। इयररिंग? हाँ मेरी इयररिंग एक है एक नहीं है। कहाँ गई वो? पता नहीं। और मेरे को फॉलो बैक कर देना ना प्लीज, क्योंकि मैंने आपको फॉलो किया है। और अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो जल्दी से जाकर मेरी मम्मा को फॉलो कर दो ना। आईडी है सुनीला वी आजाद, हिमाचली मॉम स्टूडियो भी सर्च कर सकते हो आप, और आपकी भी, आपको भी फॉलो कर सकते हैं रौनक। रौनक 27 कुछ है, कुछ अब पता है नहीं। रौनक 27 ही है। हाँ पर मेरी बाली का गुम हो गई है मेरी। आई डोंट नो, कल शाम को मैंने वो बड़े वाले पहने थे ना तो मैंने वो उतार के रखे हैं और पता नहीं कहाँ छूट गई, इधर ही छूटी होगी। ये देख यहाँ पे है, मेरे नीचे दब गई है। हाँ क्योंकि जल्दबाजी में मैंने उतार दिए थे और फिर कान ज़्यादा देर तक हमारे ऐसे नहीं रखते हैं, मैं तो रख भी लेती हूँ कई बार। चलिए फिर उठती हूँ, आज का दिन तो सोते रहो पहाड़िया एज अ प्रो। हाँ
आज तो डांस नहीं कर रहा है हस्बैंड कभी, पर कल नहीं करना था, जब करना था थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक में जो लगा है ना उसकी वजह से यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज बजे अभी छः, एक खेल के आ गया बाहर से और चाय पी रहे हैं हम। आज मैंने बहुत सारा रेस्ट किया क्योंकि रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, सबको ही रेस्ट करना चाहिए जब भी थोड़ा सा बीच में टाइम लगे। और वीडियो आज कुछ खास बनी नहीं, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो का कर दूंगी अब यहीं एंड, जितनी बनी होगी आपके साथ शेयर कर दूंगी। आपके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स रहते हैं उनके लिए थैंक यू। तो अभी भी आपको कमेंट करना है, बताना है कि मेरी छोटी सी वीडियो जितनी भी बनी थी आपके साथ शेयर की आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट देना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।